in the last lecture morning. In the last lecture we have seen inverse bilateral transformation but of two vital matrix. And in the last we have written few steps to be followed, that is total six steps to be followed for finding inverse bilateral transformations of a 3x3 matrix. Now today we will do it sums and also we will see the steps of column transformation. Okay. Now write down the question. Find the inverse of the following by using row transformation. A is equals to, now see the 2x2 matrix is given, 2, 0, -1, 5, 1, 0, 0, 1, 3. This is the 3x3 matrix. Step same वही follow कर रहे हैं आपको. पहले आप modulus of A निकालेंगे. See whether it exists or not. Whether it exists or not. 2 into 3 1 3 -0 -0 -1 with this 5 -0. See 3 -0 is 3. 3 2 are 6. -0 -5, that is 1, not equal to 0. That means A inverse exists. Okay. Now we will start following all the steps. Now see, same वही लिखना है आपको, A into A inverse. So A inverse will be equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Now सबसे पहली स्टेप आपकी है, you have to bring 1 in place of this. आपको 1 लाना है, कैसे ला सकते हैं? सिर्फ ये दो नंबर्स हैं हमारे पास, इन्हीं को हम माइनस कर सकते हैं, ये 5 ऑलरेडी. तो यहाँ क्या होता, तो मैं ये माइनस करके 1 ला सकती हूँ. 5 इसमें से माइनस करने के बाद मुझे 1 मिलता है, 6. तो यहाँ 6 कैसे आएगा? इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 3 से. सो द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज 3R1. मीन्स R1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 3 से. स्केलर मल्टीप्लीकेशन याद करो, 3 2 6 0 -3. बाकी 2 में चेंजेस नहीं है. 5 1 0 0 1. A इनवर्स इज इक्वल टू सेम R1 मल्टीप्लाई 3 0 0 0 1 0 0 0. नाउ यहाँ 1 लाना है, अब इजी हो गया. R1 में क्या चेंज हो गया? R1 -R2. ओके, नाउ 6 -5 1, 0 -1 -1, -3 -0 -1. बाकी कोई रो में चेंजेस नहीं होंगे. 5 1 0 0 1 3 into A inverse is equal to, यहाँ भी सेम 3 -0 3, 0 -1 -1 0, 0 1 0 0 0 1. आगे आपकी फर्स्ट स्टेप. आप सेकेंड स्टेप में A21 and A31 की जगह आपको क्या लाना है? 0. अब मुझे बताओ 0 कैसे लाएंगे? यहाँ भी 0 लाना है और वहां भी 0 लाना है. हाउ विल यू ब्रिंग दैट 0 हियर? कम टेल, इट इज वेरी सिंपल. यहाँ तो 0 आने वाला है इजीली और यहाँ ऑलरेडी 0 प्रेजेंट है, तो R2 में ही आपको 0 लाना है. तो जो भी चेंजेस करोगे आप किसमें करोगे? इसमें करने वाले हो आप R2 में. तो R
2 minus 5 r. Okay. So what it will be? R2 minus 5 r. Come on, this time. R2 means 5. 5 minus 4. लेकिन R1 में कोई चेंज नहीं होगा याद रखो. R1 में कोई चेंज नहीं होगा. As it is 1 minus 1 minus 2. R2. 5 minus 5, 0. R2 minus 5, R1. R1 नहीं ना, R2, 1. 1 minus 5 into minus 1. 1 plus 5, that is 6. 0 minus 5 into minus 3. 0 plus 15. R3 में कोई चेंज नहीं होगा. 0, 1, 2. Into 8 inverse. जो चेंज आप लेफ्ट साइड में करते हो उसी को राइट साइड में भी करना पड़ता है. सो रो 1 विल रिमेन एज इट इज 3 माइनस 1, 0. R2 माइनस 5, 1. 0 माइनस 15. माइनस 15. 1 माइनस माइनस 5. 1 प्लस 5, 6. 0, 0, 11. R3 में भी कोई चेंज नहीं होगा. 0, 0. अब ये दोनों जगह 0 आ गए. नेक्स्ट आपको क्या लाना है बताओ मुझे. ये तो हो गया सर. नेक्स्ट बताओ आप क्या करोगे. कहाँ 0 लाना है या कहाँ 1 लाना है. यहाँ क्या लाना है आपको. 1. तो ये 1 है आपका 6 है. 6 में से क्या माइनस करूंगी मैं तो मेरे पास 1 आएगा. 5. बट फ्रॉम वेयर शैल आई बिल दैट 5 इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 5. सो आर टू में चेंज करूंगी मैं. आर टू माइनस 5 आर थ्री. ओके. 1 माइनस 1 माइनस 3. 0 माइनस 0, 0. 6 माइनस 5, 1. 15 माइनस 5 इंटू 3. यहाँ 5 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 15 माइनस 15. इसमें कोई चेंज नहीं होगा. 0, 1, 3 इंटू 8 इनवर्स इज इक्वल टू. अब जो आपने लेफ्ट में किया वो राइट में भी करना है. सो रोमन में रिमेन आ जाते हैं 3 माइनस 1, 0. माइनस 15 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 माइनस 30. 6 माइनस 5 इंटू माइनस 1. 6 प्लस 5 भी अलग जीरो का एलिमेंट रहेगा. 0, 0. हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप कौन सी है आपको मेरा कर देती हूँ. कम विच इज योर नेक्स्ट स्टेप. याद करो हमने इन सारे स्टेप्स एक बार फिर से पढ़ देती हूँ. मैं सी पढ़ के बताती हूँ. फर्स्ट स्टेप कौन सी थी आपकी. यहाँ वन लाना है तो वन हो गया. नेक्स्ट है ए टू वन और ए थ्री वन की जगह जीरो लाना है. ए टू वन ए थ्री वन की जगह जीरो आ गया. नेक्स्ट है आपका वन इन प्लेस ऑफ ए टू टू. वहाँ भी वन आ गया. मीन्स हाउ मेनी स्टेप्स किया कंप्लीटेड. थ्री स्टेप्स किया था. नाउ व्हाट इज द फोर्थ स्टेप. जीरो इन प्लेस ऑफ ए वन टू. ए वन टू में क्या लाना है. जीरो. एंड ए थ्री टू में भी आपको जीरो. आप देखो आप क्या करोगे. एक तो दोनों एक साथ कर सकते हो या एक एक. पहले यहाँ जीरो लाना है. ओके. तो यहाँ जीरो कैसे आएगा मेरा. इन दोनों को ऐड करके आएगा. सी आर वन आर वन प्लस आर. चलो करो आर वन का. वन प्लस जीरो माइनस वन प्लस वन जीरो माइनस टू. या फिर मैं क्या करती हूँ आर वन प्लस आर थ्री करती हूँ. ओके. तो इससे मेरा क्या फायदा होने वाला है ये कर लेती हूँ मैं. ठीक है चलो. आपको अगर लगता है कि इजी नहीं जाएगा इंटेंट में वन माइनस थ्री प्लस जीरो माइनस माइनस बाकी कभी चेंज नहीं होगा. जीरो वन जीरो जीरो वन थ्री इंटू ए इन वर्स इज इक्वल टू या आर वन प्लस आर आर थ्री माइनस थर्टी माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस वन प्लस इलेवन टेन. जीरो प्लस जीरो जीरो बाकी वही रहेगा
-30 11 0 0 0। अब आपकी रजिस्टर में यहाँ भी आपको क्या लाना है, और कितनी इजी है, दिस माइनस दिस कर हो गया, तो आर थ्री में क्या चेंज हो गया, आर थ्री माइनस आर, सो व्हाट विल गेट, वन विल रिमेन एज इट इज 1 0 -3, दिस विल आल्सो रिमेन एज इट इज 0 1 0, 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 into A inverse is equal to, यहाँ भी सेम पैटर्न अप्लाई करना है आपको, -27 10 0 -30 11 0 R3 -R2 0 -30 0 -11 -11 got it। अब आपकी नेक्स्ट स्टेप कौन सी है, ये दो स्टेप्स तो हो गए, मीन्स यहाँ भी जीरो आ गया यहाँ भी जीरो आ गया, अब आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या है बताओ, क्या होगी आपकी नेक्स्ट स्टेप, आप कहाँ वन लाओगे, यहाँ आपको क्या लाना है वन, अब यहाँ वन लाना काफ़ी इजी है, किससे डिवाइड करोगे आप, थ्री से डिवाइड करो डायरेक्ट आप थ्री को, सो1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
कीजिए. ओके, फर्स्ट स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी, यहाँ वन वन है, वो स्टेप आपकी बच गई है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी वन है. नेक्स्ट ए टू वन और थ्री वन की जगह लाना है आपको जीरो. अब यहाँ जीरो कैसे आए, आर टू चेंज हो गया, आर टू माइनस आर वन. चलो कर लो, एक एक स्टेप ही बताती हूँ. एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में डाइजेस्ट में दो स्टेप्स एक साथ बताई हुई. ठीक है, आर वन आर वन क्योंकि मैंने एज इट वन माइनस वन जीरो, वन माइनस टू माइनस वन, फाइव माइनस थ्री टू फोर सेवन, ए टू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज रहेगा वन जीरो जीरो, जीरो माइनस वन माइनस वन वन जीरो जीरो जीरो, यहाँ आ गया जीरो. अब आपको कहाँ लाना है जीरो, इन टू है टू माइनस टू, तो इन टू कहाँ से लाओगे, आर थ्री में क्या चेंज करोगे, आर थ्री माइनस ट्वाइस आर, बाकी दो रहेंगे वन टू थ्री, जीरो माइनस वन टू, टू माइनस टू जीरो. अब फोर माइनस टू टू जॉ फोर जीरो, सेवन माइनस टू से मल्टीप्लाई करो सिक्स. नाउ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, सेम स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे, वन जीरो जीरो माइनस वन वन जीरो, जीरो माइनस टू माइनस टू, ये तो जीरो ही रहेगा ये वन. गॉट इट. अब आपके कितने स्टेप्स हो गए बताओ मुझे, यहाँ जीरो आ गया यहाँ जीरो आ गया, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप टू बी फॉलोड, चलो बताओ मुझे, फिर से रीड करेंगे हम. कोई ये नहीं है, सारे स्टेप्स एक बार पढ़ेंगे. ओके, अब फर्स्ट स्टेप क्या थी आपकी, वन इन प्लेस ऑफ ए वन वन, वो लाया था हमने पहले ही हो गया हमारा. नेक्स्ट है जीरो इन प्लेस ऑफ ए टू वन, ये आ गया. अब नेक्स्ट है क्या आपकी, वन इन प्लेस ऑफ ए टू, वन इन प्लेस ऑफ ए टू, ए टू टू कौन सा है, यहाँ क्या लाना है आपको, डिवाइड करेंगे माइनस वन से, आर टू माइनस वन, सो वन टू थ्री जीरो वन माइनस टू जीरो जीरो वन इन टू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू. अब क्या होगा था, यहाँ एज इट इज रहेगा वन जीरो जीरो डिवाइड कर, ये होगा वन ये होगा माइनस वन जीरो माइनस टू जीरो. आगे आपकी ये वाले स्टेप मीन्स ए वन की जगह आपने ए टू टू की जगह वन ला लिया. अब जीरो इन प्लेस ऑफ ए टू वन एंड ए टू टू एंड दिस इज जीरो इन प्लेस ऑफ ए वन टू एंड ए थ्री टू, यहाँ तो जीरो है सिर्फ यहाँ जीरो लाना है. ओके, हाउ विल ब्रिंग दैट जीरो, आर वन इज इक्वल्स टू आर वन माइनस ट्वाइस आर टू, वन माइनस टू माइनस टू जीरो, थ्री माइनस टू इंटू टू थ्री माइनस माइनस फोर, थ्री प्लस फोर दैट इज सेवन, जीरो वन माइनस टू जीरो जीरो वन इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू वन, वन माइनस टू माइनस वन जीरो माइनस माइनस टू जीरो, वन माइनस वन जीरो माइनस टू जीरो वन, ये हो गई आपकी कौन सी वाली स्टेप, जीरो इन प्लेस ऑफ ए वन टू एंड थ्री. नेक्स्ट है वन इन प्लेस ऑफ ए थ्री थ्री वन, हो गया स्टेप. अब नेक्स्ट स्टेप कौन सी है, जीरो इन प्लेस ऑफ, अब कहाँ कहाँ जीरो लाना बाकी है, यहाँ और यहाँ. अब पहले एक एक चीज करो, यहाँ जीरो लाएंगे, यहाँ कैसे जीरो लाएंगे, आर वन में क्या चेंज करोगे आप, आर वन माइनस सेवन आर थ्री, चलो वो भी करते हैं. आर
बाकी कहीं चेंज नहीं होगा, 0 1 0 0 0 1 into A inverse is equal to R1, this is minus 1, minus 7 R2, minus 1 minus 7 into minus 2, minus 1 plus 14, क्या हुआ, it is 13, ये तो as is related to 0 minus 7, next 1 minus 1, 0, माइनस टू हो गया। अब लास्ट स्टेप आपकी बचती है, यहां आपको जीरो आर टू में आर टू प्लस ट्वाइस आर थ्री, देखो माइनस टू प्लस टू 1 0 0, ये तो कोई चेंज नहीं होगा, जीरो है, यहां भी कोई चेंज नहीं होगा, यहां जीरो आएगा, 0 0 1 इंटो ए इनवर्स। एक स्टेप आपकी ये छोड़ती है, सिर्फ आप ये कर लो, जैसे ये स्टेप है 13 2 - 7 आर टू प्लस ट्वाइस आर टू 1 - 4 माइनस 1 + 0 + 2 - 2 यहाँ आ गया 3 / 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मीन्स वॉट एवर यू गेट इट इज योर इनवर्स। सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस। तो मैंने पहले ही कहा था कि आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको, अब मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ स्टेप्स लिख के देती हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन प्लस द एप्लीकेशन पढ़ेंगे। लेकिन याद रखो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के सम्स बहुत कम आते हैं, ओके, 2 by 2 और 3 by 3 दोनों लेते हैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन 2 by 2 मैट्रिक्स, 3 by 3 स्टेप्स थ्रू आप लोग steps for 2 by 2. Next, this way 1 in place of A11. This means A 0 in place of A12 and 1 3. अब वहां देखो रो में एग्जैक्ट उल्टा था, 0 इन प्लेस ऑफ आप 8 2 1 and 3 1 लाते हो, यहाँ एग्जैक्टली अपोजिट है। That is the application of matrices.